आज हम अपनी वीडियो में तिल के और खोए के लड्डू बनाने जा रहे हैं। ये सकट स्पेशल है। इसमें हम पहले ये तिल लेते हैं, 250 ग्राम तिल लिए हमने, 250 ग्राम खोया और 250 ग्राम बूरा, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट, हमने बादाम काट लिए हैं थोड़े से, चिरौंजी है और छोटी इलायची है। अब हम इनको तिल को कढ़ाई में सिम पे भून लेंगे। कढ़ाई रख ली है हमने और यह हम इसको सिम पर भूनेंगे। हमने इसको डाल दिए हैं और चलाते रहेंगे। 5 मिनट में ये गुलाबी हो जाएंगे, गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब ये देखिए, ये तेल भून के गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। अब देखिए, ये तिल हमने पीस लिए हैं मिक्सी में इस तरह से। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं सिम पर और खोया भून लेते हैं, गुलाबी होने तक इसको भूनेंगे। अब देखिए, ये खोया हमारा भुन गया है, गुलाबी हो गया है। हमने गैस बंद कर दी और इसको हमने थाली में पलट लिया। अब इसको अभी ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर इसमें हम बूरा, तिल और मेवा मिलाएंगे। हम लड्डू बनाने जा रहे हैं, हम सब मिक्स कर लेते हैं सारे सामान। हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब ये लड्डू बनकर तैयार हो गए।